हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड आप लोग का रिक्वेस्ट था कि शिव ठाकरे के और वीडियोस लेकर आओ, तो हाँ जी आ गई मैं आप लोग की रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। सो गाइज, आप लोग भी मुझे ऐसे ही रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कॉमेंट करके बताना कि और किसके वीडियोज पर रिएक्शन चाहिए है, या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोग को ठीक लगे। तो आज का जो है वो सिग्मा रूल्स है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हैं इनके सिग्मा रूल्स। और भी चाहिए है तो प्लीज मुझे लिंक जरूर शेयर कर देना, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग हमारे वीडियो के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गला खराब हो रहा है मेरा आज। ये सिर्फ खाएंगे बैठेंगे अक्कड़ से रहेंगे, अक्कड़ घर से नहीं खा सकते। सोचा है मैंने आपको सब ला के दिया, तो अगर मैंने मेरा काम किया तो आप टमाटर के लिए उठना पड़ेगा ना। चोरी करती हूँ तो मैं नहीं कर रही, मैं आती नहीं लगाती हूँ ना, घर पे दिखाना है, यहाँ पर नहीं दिखाना है। अगर मैंने सब दे दिया तो एक टमाटर के लिए आप आराम उठ जाते, प्रॉब्लम नहीं होता। कैसे रहूंगी जिसको दो सोचना है? रहो आप, अक्कड़ निकालना मुझे आता है, रहो आप, अक्कड़ निकालना मुझे आता है। क्यों आवाज म्यूट है क्या यहाँ पर? मेरे ख्याल से यस। हेलो, आप राम शिव ठाकरे शिव मंदिर का मैं बोल रही हूँ। कहाँ से? मुंबई से। कौन सा कॉलेज? इंजीनियर। अच्छा, और आपने कहाँ से किया? बिग बॉस से घर से। हाँ, बॉस घर से आप इंजीनियरिंग कर? अभी पीजी कर रहा हूँ वहीं पर। अभी आपको आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको शायद जिंदगी में थोड़ा थोड़ा और एक्सपोजर लेना चाहिए? यूजुअली जो लोग हैं वो अपने मास्टर्स के लिए कहीं और जाते हैं, लेकिन आप तो इंजीनियरिंग बिग बॉस मराठी में गए और अभी मास्टर्स के लिए यहाँ बिग बॉस हिंदी में आ गए। मेरी जो फील्ड है वो मुझे छोड़ लेना चाहिए। बाद में हो सकता है बैकलॉग भी रहे अगर आप शार्प होंगे। और आप क्या करेंगे अगर जैसे अगर हमने आपको पोस्ट नहीं दी तो आप इस बैकलॉग को कैसे मतलब आप कैसे कोप करेंगे? थोड़ा तो आप फिर से आना चाहिए? जी बिल्कुल। आप आते रहेंगे? नहीं, अच्छा बुलाते रहेंगे, अच्छा बुलाते रहेंगे। जिसके सामने हेलमेट लगाना जरूरी होता है, मतलब जिसपे सावधान होना बहुत जरूरी है। कौन? खुद को ही। तू बेटे सुन, नेता तू जाएगी, आदमी नहीं रहेंगे, कुत्ते रहेंगे पीछे कुत्ते। जो चिल्ला चिल्ला के तू दिखा रही है ना खुद को, सबको, बाहर वाले लोग भी देख रहे हैं, रूमर देख रहे हैं, तमीज देख रहे हैं, तेरी इंसानियत भी देख रहे हैं। जिस दिन बिग बॉस की ट्रॉफी जीतूंगी ना, टैक्टर की रैली निकलेगी। अभी उदय इस लेजर सेक्शन में है ही आवाज कम, मतलब म्यूट कर रखा है। अरे यार तू पहले फट रही तेरी भाई, तो तेरे जैसे दस आ गए ना तो पर फटने की छोड़, हिलूंगा भी नहीं। अरे मैंने क्या बोला? तूने क्या बोला? अभी तेरी ये बजाता हूं मैं, बोला मैंने धीरे से सॉरी। ये आवाज ऐसी कम ज्यादा क्यों है?
मेरी गलती नहीं है, यहाँ पर वीडियो ही ऐसा है। क्या शाली सुंबल को यूज करते हैं अपने कन्वीनियंस के मुताबिक? पूरी तरह उनके साथ खड़े भी नहीं रहते और पूरी तरह उनको अपनाते भी नहीं। मैं यहाँ पे किसी से भी फायदा लेने के लिए नहीं आया। इतना अच्छा एक्टर है, जब टीना आती है तो वो दिखाता है कि मैं बहुत केयर कर रहा हूँ, भाग दौड़ करता है एंड हम एक्सप्रेशन देखते हैं, हंसते कि ये नाटक कर रहे हैं। आप मुझे मेरे पास, मैं आपको सिखाऊंगा अच्छी एक्टिंग कैसे करते हैं और आप अच्छे एक्टर बने। बस रियलिटी शो के लिए थोड़ा मेरे से भी सीख ले, थोड़ा मेरे से भी सीख ले, थोड़ा रियल रहना पड़ेगा। ये देखा है मैंने लास्ट वीडियो में। उस चीज को नहीं डालने की बात करेगा वो शालीन आएगा, नहीं तो भाई आएगा। भाई देख अभी चर्बी वाली शाल करेगा, मैं तो चर्बी उतारूंगा ही, मैं तो चर्बी उतारूंगा ही। रुको जरा, सबर करो। भाई कैसे भाई चर्बी उतार, मैं चर्बी उतार देता हूँ, देखता हूँ। नकली स्माइल भी निकालता हूँ और वो चर्बी भी निकालता हूँ, नकली स्माइल भी निकालता हूँ। तेरे जैसे दशा के ना तो पता है फटने की छोड़ हिलूंगा भी नहीं मैं, अरे फटने की छोड़ हिलूंगा भी नहीं मैं। अरे शिव ऐसा कर सकता है लेकिन इतनी इंग्लिश में शिव से एक्सपेक्ट नहीं करता। हिंदी में होता तो मैं बोलता शिव। शिव इज एन इंजीनियर बाबा, शिव इज एन इंजीनियर बाबा। यही मैंने लास्ट वीडियो में देखा है। मैं मेरा खाना खा रहा हूँ, आप सुनो, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, तुम्हारा झगड़ा करो। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि लास्ट वीडियो इसके अंदर लगा दी उन्होंने? अरे कैप्टन, क्या तुम्हारा झगड़ा रोकने के लिए तुम्हारे सब तुम्हें घर से सीखा है, ये घर से सीखा है, तुम्हारे तमीज नहीं उतनी कि क्या बात करना चाहिए वो कैप्टन बताएगा? सुन नहीं सकते हो मैं वो बात जो तुम कर रहे हो दोनों? हाँ तुम दोनों को सुनाओ और तुम तुम्हारा काम करो। और मेरे को अगर गलती से कुछ शब्द बोला तूने अर्चना, मैं तेरे को प्यार से पहले भी बताया, अभी भी बताया, तू बोली कि मैंने सुना क्या इसका नाम अर्चना है क्या? उसने वो कहा, इसके लिए नहीं आऊंगा बिग बॉस में, इसके लिए नहीं आऊंगा बिग बॉस में, खत्म। मैं वही वीडियो से अपलोड की है। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। एक बार हाथ जोड़कर अब्दू से माफी मांग लीजिए। इसको बस में ये मत करना, मैं एक दो बार मस्ती बोलूंगा, इसके बाद समझाऊंगा प्यार से, ठीक है? बकवास नहीं करना, खुद की बेइज्जती खुद ही करवाते रहते हैं सीरियसली। अगर आज मैं कहूं रियल मराठा शिवा, लास्ट वीडियो के थोड़े से क्लिप्स डाले हुए हैं इसके अंदर। ओके अब आप लोगों ने मुझे बताया कि कौन सा वाला है तो मैं यही लेकर आई थी, ठीक है? मुझे टाइटल तो अच्छा लगा था, सो बस ये है कि ऑल द बेस्ट शिव सीरियसली, एंड सपोर्ट डेफिनेटली हमारा है आप लोगों के साथ में, और बहुत सारी विशेस भी हैं, ठीक है, प्रेयर्स भी हैं इतने सारे लोगों की। एंड शिव तो मतलब जैसे बताया गया है कि एकदम कड़क मराठा, यस यो, ऐसी बात हो गई, ठीक है? एंड मुझे सबसे ज्यादा यही चीज अच्छी लगी शिव के अंदर ना, कि जो है मुंह पर डायरेक्ट, ऐसे नहीं कि हाँ भाई ऐसा वैसा, जो मैंने अभी तक दो इतने ही वीडियो देखे उसके अंदर ही जो मैंने नोटिस किया है कि वो डायरेक्टली मुंह पर बोलने वाला इंसान है। वो ऐसा नहीं कि चुपचाप से मैं टाइम का वेट करूंगा, मैं तब बोलूंगा, नहीं, वो तभी का तभी देर एंड देर वाला काम है, ठीक है? कौन इतना वेट करता रहेगा, वो चीज दिखी है मुझे उसके अंदर। एंड कड़क मराठा जी ऐसी वाली चीज है। तो यस, अभी आप लोग एक काम करें कि मुझे लिंक शेयर करें या तो मुझे टाइटल मेंशन करके दें, ठीक है? लिंक शेयर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग को पता है कि क्या करना है, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, एंड ऑफ कोर्स शिव ठाकरे के फैंस के साथ में भी। एंड गाइस, मुझे यहां तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मुझे देखने के लिए यहां तक रियली थैंक यू सो मच गाइस। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड थैंक यू, टाटा बाय बाय। Over the edge, feel like I'm floating through.